बेल्ट से बन बन के आ रहा है, देख रहे हैं आप लोग, ये जा रहा है सीमेंट जाके उसमें आपका लोडिंग हो रहा है वहाँ। ड्राइवर भाइयों से बोलना चाहते हैं कि आप लोग जब भी सीमेंट लोड करें तो प्लीज डिपो का माल लोड मत करें, नहीं तो आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा, 4 से 5 दिन भी आपका गाड़ी डिटेन हो सकता है, कोई सुनवाई नहीं है। पार्टी का माल लोड करना है कीजिए, डिपो का माल मत लोड कीजिए। अभी नाश्ता करने के लिए छुट्टी हुआ इन लोगों का नाश्ता करने की, उसके बाद हमारा गाड़ी लोडिंग होगा। और ये देखिए वेस्टेज है जो DSP का है, देख सकते हैं DSP डालमिया DSP सीमेंट का ये वेस्टेज है जो फट जाता है लोडिंग के टाइम पे, उसको नीचे फेंक दिया जाता है। नहीं नीचे फेंकेंगे तो वहाँ पे दिक्कत होगा अनलोडिंग में, पैसा कटता है, इसीलिए लेबर लोग जो फटा हुआ रहता है वो नीचे फेंक देता है लोग। अभी थोड़ी देर के बाद हमारा लोडिंग होगा, तब तक के लिए हम इंतज़ार करते हैं कब तक लोडिंग होगा, वीडियो में आप लोग बने रहिए। देख सकते हैं यहाँ पे पानी हम आए भरने के लिए, पानी का फ्रीज है, इतना गंदगी यहाँ पे हो रखा है। और यहाँ पे सीमेंट लोड हो रहा है जो टैंकर होता है उसमें, एकदम गरम गरम सीमेंट है, देखिए धुआं भी निकल रहा है, एकदम ताज़ा ही है इसमें, देखिए धुआं निकल रहा है। इसमें सीमेंट लोड हो गया, देख सकते हैं आप लोग सीमेंट लोड होकर जा रहा है, और दूसरा गाड़ी फिर आके यहाँ लगेगा। अभी हम लोग का गाड़ी लोड होगा तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद। अभी नाश्ता करके लोग आया है, उधर का सब लोड हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। अभी लोड हो गया, देख रहे हैं काटा उटा करके निकल गए हैं। इसमें ये वाला तिरपाल डालना है, रबड़ तिरपाल है ये वाला, काफ़ी वजन है, सीमेंट वोमेंट भींगेगा नहीं, इसी को डालेंगे। तिरपाल और पल देखिए बांध दिए हैं कैसे, यहाँ पे कोई बांधने वाला मिलता नहीं है जल्दी, लेकिन एक ठो मिल गया था जिसकी वजह से जल्दी थोड़ा बन गया। अब तेल हमारा पड़ रहा है, ये है कि बैक लाइट के ऊपर में है, दिक्कत नहीं है, तेल डाल रहे हैं देखो कैसे। टंकी वंकी नहीं है, स्पेशल टैंकर यहाँ खड़ा हुआ है, आप लोड करके आइए, जितना लीटर आपको चाहिए यहाँ पे आप तेल डालिए और जाइए, ये एक सुविधा है। टंकी पे नहीं, आप देखिए एकदम इधर कुछ जंगले है चारों तरफ, रेलवे साइडिंग है, यहीं पे डाल रहा है तेल। तेल डाल के निकले हैं इधर से, देख सकते हैं इधर साइड में रेलवे साइडिंग है, और बहुत बड़ा ये सोलर प्लांट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा एरिया में है ये सोलर का पैनल है, पूरा सोलर एनर्जी यहाँ पे मतलब तैयार होता है। और ये इधर भी देखिए, इधर भी आपको अंदर दिखाई देगा, इधर भी सोलर पैनल पूरा लगा हुआ है, ये सारा एरिया सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा है, धूप की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, अपोजिट साइड में है उसका। इधर ये है आपका पैरी पड़ेगा, पैरी उसके बाद छतिया पड़ेगा। मैं पहले यहाँ रहता था बचपन में, हम लोग का मतलब कि रहना पढ़ाई वढ़ाई सब यही का है उड़ीसा का, तो ये एरिया से मैं बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बहुत मतलब कि शांति एरिया है। और तकरीबन यहाँ से 5-6 किलोमीटर के बाद छतिया पड़ेगा, ये रेलवे साइडिंग है इधर, मतलब कि नज़दीक से रेलवे निकले। कल रात में तकरीबन 7-8 बजे हम पहुंच गए पलासपंगा में, तो यहाँ से भी 60-70 किलोमीटर जाना है, लेकिन पार्टी जो है वो पहले ही फोन करके बोल दिया कि आप वहीं पर रुक जाओ, अभी क्लियर है नहीं कि कहाँ खाली करना है। तो सीमेंट में यही ज़्यादा दिक्कत होता है, कभी भी आपको सीमेंट लोड करना हो, हम सभी ड्राइवर भाइयों से बोल रहे हैं कि कभी भी सीमेंट लोड करना हो तो डिपो का माल आप लोग मत लोड कीजिए, किसी पार्टी का माल होगा तो तुरंत खाली हो जाएगा, डिपो का होगा तो एक दिन तो कोई बात नहीं है, 2 दिन से एक्स्ट्रा लगता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन भी लग सकता है आपका माल खाली करने में। तो प्लीज डिपो का माल आप लोग लोड ना करें, लोड करें तो क्लियर आप लोग बात करके लोड करें कि कैसे खाली होगा, कहाँ खाली होगा और कितना दिन लगेगा। अभी देखिए पलासपंगा यहाँ से अंदर जोड़ा के अंदर जो रास्ता जाता है लेफ्ट साइड में, यहीं पे हम खड़े हैं और बोल रहा है कि आप वहीं पे रुकिए, यहाँ हम कब तक रुके हैं?
यहाँ पे अभी रोड के साइड में गाड़ी खड़ा करना अभी बहुत ही मुश्किल हो गया है, कब तक कोई रुकेगा? ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, देखें क्या होता है। अभी फोन किया तो बोल रहा है कि हम बताएंगे, आप वहीं पे रहिए। सुबह से एक दो बार हम फोन कर चुके, यही दिक्कत है।